मेरे लिए यह बहुत सुखद आश्चर्य की बात थी कि आज के लिए मुझे बहुजन संवाद से श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे कर्मयोगी के बारे में चर्चा का निमंत्रण मिला। मेरा ये सौभाग्य था कि अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैं बनारस विश्वविद्यालय और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में एक समाजवादी विद्यार्थी कार्यकर्ता था, तब उस समय हमारी प्रेरणा स्रोत के रूप में एक जबरदस्त नायक मंडल था सदन के अंदर और सदन के बाहर। सदन के अंदर तो बहुत कम, सदन के बाहर अनेकानेक। सदन के बाहर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री राजनारायण, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री मधुलिमय, और सदन के अंदर किशन पटनायक और मधुलिमय, और उसमें उनके नेता थे श्री भूपेंद्र नारायण मंडल। मैंने मंडल जी को जब देखा पहली बार विद्यार्थी के रूप में, ये 1972-73 का दौर था, एक मझोले कद के दुबले पतले कुर्ता पजामा पहने हुए बहुत ही शालीन और शांत व्यक्तित्व के स्वामी भूपेंद्र नारायण मंडल जी को एक बार तो देख के विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मन को ये जगाना पड़ा कि देखो ये समाजवादी हैं, ये लोकप्रिय जननायक हैं, ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की आंधी में भी कांग्रेस को हरा करके सीधे सीधे बिना साधन के चुनाव जीतने वाले महावीर हैं, इनसे प्रेरणा लो, इनसे मार्गदर्शन लो। भूपेंद्र नारायण मंडल जी को याद करते समय मेरे जैसे आदमी को उनकी तीन भूमिकाएं चमत्कृत करती हैं। सबसे पहले तो वो समाजवादी उस दौर में थे जब समाजवादी होने का मतलब एक पैर जेल में और एक पैर रेल में था। ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने देश को बदलने का सपना देखा और कांग्रेस के मंच से उस समय जो समझौतावाद चला था, परिस्थितियों से समझौता करो, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, अंग्रेजी राज के 200 साल का धुआं और कालिख 20 बरस 10 बरस में तो जाएगी नहीं, और विदेश नीति के जरिए, विदेशी सहायता के जरिए, विदेशी मॉडल के जरिए हमारा उपकार होगा, हमारा भला होगा। इसके विरोध में जो मुट्ठी भर लोगों के बीच में टिक के अपनी बात को नुक्कड़ और चौराहे पर करते थे, उसमें से जो शक्ति पैदा होती थी वो प्रतिरोध की राजनीति थी, लोक शक्ति की राजनीति थी, जिसमें संसद पर कोई भरोसा था नहीं, क्योंकि संसद में पैसे के कारण नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन की सारी विरासत को अपने नाम जमा करने में सफल होने के कारण नेहरू इंदिरा के दौर में कांग्रेस का बोलबाला था। और कांग्रेस में भी उस समय एक खास तरह की बीमारी आ रही थी, कुर्सी की बीमारी, और उस कुर्सी को पकड़ने के लिए जातिवाद, सांप्रदायिकता, पैसावाद भी चलता था। दूसरा, श्री भूपेंद्र नारायण मंडल का जो योगदान था वो सत्याग्रह की आस्था के साथ ही वोट की ताकत का भी उनको बहुत भरोसा था। उन्होंने अपने जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता, लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता, हारे भी और राज्यसभा में भी रहे। मुट्ठी भर लोग संसद का कैसे सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं, लोक शक्ति का जो बल है उसके जरिए संसद में अति कम तादाद के बावजूद कैसे चमक पैदा कर सकते हैं, बिजली वाली चमक, और शर्मिंदा कर सकते हैं शासक वर्ग को, इसका उदाहरण श्री भूपेंद्र नारायण का संसदीय कौशल था। आज के जो लोग राजनीति में हैं उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि कोई कारण था कि उस संसदीय दल के नेता श्री भूपेंद्र नारायण मंडल थे जिसका सैद्धांतिक आधार समाजवाद था, सत्याग्रह था, जनशक्ति थी। एक तीसरा योगदान भूपेंद्र नारायण मंडल जी का, गरीब देश के गरीबों की राजनीति करने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए, कथनी और करनी में एकता के लिए, सादगी को अपनाने के लिए, उन्होंने जो खुद सुशिक्षित थे, संपन्न थे, लेकिन उन्होंने जो मार्क्सवादी भाषा में आप कहते हैं डीक्लास होने का उदाहरण दिया था। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है
कि बिहार के समाजवादियों की स्मृति में भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे बहुत ही प्रबल आकर्षण पुंज जिन्होंने सैकड़ों लोगों को राजनीति का रास्ता दिखाया, दर्जनों लोगों को राज्य स्तर का नेता बनाया और दर्जनों लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद की लगन के साथ जुड़े रहने के लिए मदद की, उनको हम जानते नहीं मानते नहीं। मैंने अभी हाल में देखा एक वेबसाइट पर बहुत ही वरिष्ठ और हिम्मती और आदर्श पत्रकार श्री रवीश कुमार का एक लेख, उन्होंने श्री भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की चर्चा में कहते कहते बीपी मंडल जी का जिक्र कर दिया, क्योंकि मंडल का मतलब तो पूरे भारत के नई राजनीति करने वालों को श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। असली मंडल तो उस दौर में भूपेंद्र नारायण मंडल थे, बीपी मंडल जी तो आते जाते मशहूर हो गए और उनका समाजवादियों से बहुत टेढ़ा संबंध था। कुर्सी के लिए उन्होंने समाजवादियों की जमात तोड़ दी थी, कुर्सी के लिए उन्होंने डॉक्टर लोहिया की निर्देश के बावजूद अपनी विधानसभा और लोकसभा दोनों की सदस्यता रखी थी। दूसरी तरफ भूपेंद्र नारायण मंडल थे त्याग की मूर्ति, संघर्ष की मूर्ति, आदर्श की प्रेरणा। तो रवीश कुमार ने लिखा है अपने वेबसाइट में कि मुझे तो पता ही नहीं था, फिर किसी ने टेलीफोन से इतराज करके कहा कि दो अलग अलग मंडल थे, एक भूपेंद्र मंडल दूसरे बीपी मंडल। आपने भूपेंद्र मंडल का नाम जानना तो है, जिक्र तो क्या उनके बारे में, आप जानने के लिए इस किताब को पढ़िए। और श्री रवीश कुमार ने जैसे अभी डॉक्टर लता ने उनके भाषण का एक अंश आपको पढ़ के सुनाया, रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने अपने अज्ञान पर क्षोभ जाहिर करते हुए श्री बीपी मंडल के कई भाषणों का जिक्र किया। जो आज नहीं जानते उनको याद कराऊंगा कि भूपेंद्र नारायण मंडल ने उस ललित नारायण मिश्र को हराया था जो श्रीमती इंदिरा गांधी का दाहिना हाथ कहा जाता था और जिसकी तूती बोलती थी। उसको भूपेंद्र नारायण मंडल ने कार्यकर्ताओं के बल पर, मुट्ठी भर चूड़ा और चना खा करके लड़ने वालों के बल पर दो दो बार आमने सामने के चुनाव में हराया था। और उसके बदले में बिहार के भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी कोसी के बांध की कहानी थी, कोसी की बांध की कहानी, और उसके खिलाफ आंदोलन में भूपेंद्र नारायण मंडल की अगुवाई में कर्पूरी ठाकुर से लेके कम्युनिस्ट और अन्य विरोधी दल के लोग जब इकट्ठा हुए तो कांग्रेस के गुंडों ने और पुलिस वालों ने वैसे ही पिटवाया जैसे आज गाजीपुर पर और बाकी जगहों पर धरना दे रहे किसानों पर हमला हो रहा। ये सत्ता का जो चरित्र है, जहां साम दाम दंड भेद से कुर्सी को बचाए रखना, ये अल्पजीवी है। क्योंकि जब भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे वीरों पर लाठी पड़ी तो उस समय तो लाठी चल गई, लेकिन बाद में जब चुनाव का मौका आया तो 67 में 71 में कांग्रेसियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। ये हमेशा होता है और आज भी अगर राजनीति करनी है, गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा का साक्षात उदाहरण देना है तो हमें श्री भूपेंद्र नारायण मंडल को याद करना चाहिए। मैं अंतिम बात ये कहूंगा कि जो खानदान अपने आदर्श पुरुषों को उनकी बनाई राह को छोड़ देता है वो थोड़ी देर के लिए तो जरूर कुछ उसको सफलता हासिल होती है, लेकिन बाद में उसका नामो निशान मिट जाता है। आज समाजवादियों की यही दुर्गति है। ये आचार्य नरेंद्र देव के वंशज हैं, ये फरीदुल हक अंसारी के वंशज हैं, ये रामनंदन मिश्र के वंशज हैं, ये कर्पूरी ठाकुर के वंशज, लेकिन इनको अपने पुरखों का नाम ही नहीं मालूम। ये नए नए नायक खोज रहे हैं, लेकिन अगर भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे लोगों को आप अपना प्रेरणा स्रोत बनाएंगे तो न सिर्फ समाज का भला होगा बल्कि आपका अपना भला भी होगा। मैं बधाई देता हूं बहुजन संवाद को कि जाने किस प्रेरणा से आपने भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे नींव के पत्थर समाजवादी नायक को स्मरण किया। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जिनसे हमको विद्यार्थी जीवन में प्रेरणा मिली थी उनको श्रद्धांजलि देने का आज मौका मिल रहा है। आपको बहुत बधाई और मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ सुनना चाहूंगा युवा पीढ़ी की प्रतीक एक महिला साथी को और दूसरी तरफ बड़े पुराने समाजवादी साथी हिमांशु जी को भी। आपको भी धन्यवाद और इस आयोजन के लिए बधाई।